तो चिल्का में जो है दूसरे दिन हमने सुबह में जो है फटाफट नया ब्रेकफास्ट करने से पहले ही वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो बोट का टाइमिंग था वो 6:30 वहाँ पे हमें रीच करना था, तो हम वो बाई बोट से जो है एक चिल्का का बहुत ही फेमस मंदिर है जहाँ पे जो है कहते हैं कि मन्नत पूरी हो जाने पे वहाँ पे जो है मुर्दा लोग छोड़ के जाते हैं, और वो एक पूरी चारों तरफ जो है टापू पे वो मंदिर स्थित है, काली जी का मंदिर है। आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं चिल्का में है। तो इस बोट पे हम लोग करीब 5-6 लोग थे, और एक बार में वहाँ पे जाते हैं दर्शन करा के फिर से बोट वापस आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ही मंदिर मुझे लगा, बहुत ही वहाँ पर मैंने जाने के बाद जो था, और एक मंदिर था उसमें देख रहे हैं। मैं सुबह सुबह जो है उठ के जो है हमने फ्रेश हो लिए, नहा लिए हैं, और हम जो है अब चिल्का से जो है जगन्नाथपुरी के लिए जो है निकलने वाले हैं। तो सुबह का चाय मिल गया, बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया। कहते हैं कि अगर सुबह की चाय अगर अच्छी हो तो पूरा दिन जो है अच्छा जाता है, तो सुबह में चाय बहुत ही टेस्टी एक्चुअली था। तो चाय हमें मिल गई है, और अब हम जो है यहाँ से चिल्का से जो है अब जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे, और जो लगभग जो है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से यहाँ से है। और वहाँ पे जाने के बाद जो है पूजा तो होगा ही, भगवान के दर्शन, जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही साथ कुछ शॉपिंग का भी प्लान है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद फिर शायद हम कोणार्क का भी थोड़ा सा प्लान है, भुवनेश्वर होते हुए कटक में एक थोड़ा सा टाइम हमें विजिट करना है। तो अभी देखते हैं कहाँ क्या क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि हमें जो है हल्दिया मम्मी पापा के यहाँ 19th को किसी भी तरह से पहुँच जाना है। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन टाइम है, तो 2 दिन में कितना कवर कर पाते हैं वो भी देखना है। तो जो है ब्लॉग में जो है बने रहिएगा, आपको एक से एक चीज़ें जो है आपको हम अपने ट्रिप की जो है शेयर करते रहेंगे, और ट्रिप में जो है हमारे साथ बने रहने के लिए जो है आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट पुरी में।